वाहिगुरु जी। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सम संतोख ना और सुख, तपना खिमा सम जान, ब्रह्म ज्ञान समदान नह, धर्म न दया समान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु खालसा सतसंग जीओ, आप जी कथा श्रवण करते हो, इस ग्रंथ का नाम है सार कतावली। ये ग्रंथ उन्हां विद्यार्थियों लई लाभदायक है जिहड़े कथा करना जानते हैं जां सीखना चाहते हैं। दूजा ये समाज लिए भी भला है। ये कह लो सियाने विद्वान महापुरश उस्ताद जन ये बयान करते, ये धर्म की राजनीति है ये ग्रंथ, कि धर्म को किवें समाज में बतीत करना है, अपना जीवन किवें जीना है, किहड़े किहड़े गुण धारण करने हैं, सच बोलना है, होर जितने भी कह लो शुभ गुण जीवन में बदलाव लियाना इस ग्रंथ राही है। कई दे मन में शंका होवेगा जिहड़े आम सुनते होने कि ये तो बाणी नहीं। भाई बाणी दे अर्थ भाव लई खोलन लई ये ग्रंथ की लोड़ है, तो कई ऐसे बाणी दे भाव हैं जिहड़े नहीं खुलते। इस करके जिहड़े संप्रदाय विद्वान हैं महापुरश, वह वेदांत दे इन्हां नौ ग्रंथां विच सब तो पहला गिणती इहदी गिणते हैं सार कतावली। इस करके बाणी दे अर्थ खोलन लई जां समझण लई इह सहाई है खालसा जीओ। अज सार कतावली दे असी इन्हां छंदां विच 15 तो लैके इह छंद आरंभ हो रहे हैं। आओ इस बारे विचार श्रवण करिए जी। दोहरा सम संतोख ना और सुख, तपना खिमा सम जान। हुण जिहड़ा संतोख वर्गा कोई सुख नहीं है। संतोख की होंदा है? वैसे तो सब नूं पता होना, एक बड़ी वड्डी साखी है, हुण साखी सुनाउण दा टाइम नहीं होंदा इत्थे। जे किन्ने पढ़ी होवे सुनी होवे शरमत फकीर दी, सबर संतोख दे अर्थ सिर गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच शरमत फकीर राही गुरु साहब ने दर्शाए हैं कि सबर जो मिल गया उससे गुजारा करना, सबर संतोख। कई बारी बंदा बहुत कुछ प्राप्त करके भी रजदा नहीं, उन्होंने कहने सबर नहीं संतोख नहीं। ये सबर संतोख बड़ी वड्डी चीज़ है। सम संतोख ना और सुख ऐ बंदिया, संतोख वर्गा कोई सुख नहीं है। बंदे नूं जो मिल गया उससे गुजारा, बंदा होर कोचदा अपने भागा नूं, मेरे भागा च ये नहीं लिखिया वो नहीं लिखिया, वह सड़दा रहिंदा है ना। रब ने जो लिखिया जो किश पाया सो एक वार, जो पाया होया रब ने सब ने कर्मा च एक बारी पाया होया। हुण वह मिलना भी रोज़ तरतीब नाल है, जे अज ही सारा मिल गया समझ लो किसी बंदे नूं, अज ही उहदे जीवन का 50 लाख करोड़ मिल गया, वह तो आफर जाएगा सारा खर्च के मुका देगा, फिर अगे की मिलना। रब ने रोज़ ऐसी तरतीब वंडी हुई है भी इनू इतना इतना मिलना है। इस करके बंदे आ संतोख रखी, संतोख वर्गा कोई सुख नहीं है। तप ना खिमा समान, खिमा समान वर्गा कोई तप नहीं है। खिमा दे बराबर किसी की बधीकी नूं मुआफ करना, किसी के कौड़े बचना नूं सहन करना, ये तप है। कौड़े बचन सहन करना भी बड़ा वड्डा तप है। उस्ताद जना दे जां होर आम समाज दे कौड़े बचन तप सहन करना ये बड़ा वड्डा तप है। पर जदों कई बारी कलगीधर पातशाह बयान कर दे भी जदों कोई बहुते सिर ते चढ़ पवे उदों फिर डंडा पीर है विगड़िया तिगड़िया दा, उदों खिमा नहीं, उदों खिमा फिर यह बन जाती है, इहनूं सुधारना भी तो है। इस करके जिहड़ा तप है वह की है, खिमा वर्गा कोई तप नहीं। खिमा जिन्हें जिहदे हिरदे विच है वह तप है, ते संतोख वर्गा कोई सुख नहीं है। ब्रह्म ज्ञान समदान नह, धर्म न दया समान। ब्रह्म ज्ञान वर्गा कोई दान नहीं है। जेड़े कोई साधु महात्मा उस्ताद जन
गुरु पातशाह किसी नूं ब्रह्म ज्ञान बख्शिश करदे ना, उन्होंने साड़ी झोली दान पाया होया, ये दान दिता होया, तो असी हमेशा शुकराना करिए उन्हों का, रोज़ अरदास भी याद करिए उन्होंने, ऐसे महापुरशा गुरु पातशाह, क्योंकि खालसा जी बाणी का वचन है, जन्म मरण दुख हूँ मैं नाही, जन परोपकारी आए जी दान दे भगती लायन, हर सो लैन मिलाए। वो अपना जीवन दान दे के सानू रब नाल जोड़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान बख्शिश करते, दान ही है, अपना ज्ञान सानू दे रहे हैं, रूहानी ज्ञान अकाल पुरख का ज्ञान उस नाल जोड़ रहे हैं। जे कह लो आत्मा परमात्मा नू एकता का ज्ञान दे रहे हैं, एकता का एक जुड़ करन दा, कि बंदे आ जिहड़े तेरे मन द्वैत भावना है, अज्ञानता है, उहनू दूर करके जिहड़ा ज्ञान दे रहे हैं वह है ब्रह्म ज्ञान, ते इस ब्रह्म ज्ञान वर्गा कोई दान नहीं है। धर्म ना दया समान, ते दया करन वर्गा कोई धर्म नहीं है, किसी ने दया करते किसी उत्ते, असल धर्म ये है, तौल धर्म दया का पूत, ए मना ध्यान रखी। दोहरा चारों फल मैं एक भी उपजै हृदय ना जास, जिहड़े उपर दसे ना पिछले इन्हां प्रथाए संतोख खिमा ब्रह्म ज्ञान ते दया, इन्हां चारां विच्चों संतोख खिमा ब्रह्म ज्ञान ते दया, इन्हां चारां विच्चों जिहदे मन एक भी ना पैदा होया, चारों फल मैं एक भी एक भी उपजै हृदय ना जास, जिहदे जास कहिंदे जिसते हिरदे चारा विच्चों एक भी नहीं आया, एक भी नहीं पैदा होया। आजा गला गला के कुचन जो जन्म व्यर्थ है तास, आजा गले जिवें बकरी दे जे कह लो गले विच तुसी देखिया होना कई वारी उत्थे थण महसूस होंदे हन, थण भी होंदे हन, ते ओ थण ओ लेले लूले ओ किवें लगदे हन, उहनां च दुध नहीं हुंदा, ओ वैसे ही होंदे हन। इस तरह बदया जे तेरे जीवन विच दया नहीं आई, संतोख नहीं आया, ब्रह्म ज्ञान नहीं आया, खिमा नहीं आई, तेरा जीवन भी उस बकरी दे जे गले थन होंदे ना उन्हां थणा वांग, वो तेरा जीवन व्यर्थ है, जिवें वो व्यर्थ दुध नहीं आदि पैदा होंदा उन्हां चों, इस तरह तेरा जीवन भी जिस विच दया भावना नहीं, खिमा नहीं, संतोख नहीं, ते ब्रह्म ज्ञान नहीं, तेरे जीवन विच भी सहज नहीं आवेगा, आनंद नहीं आवेगा। दोहरा धर्म परम पारस है जो दायक फल चार, कवि हरदयाल जी इस ग्रंथ के कर्ता हैं, कवि हरदयाल जी, धर्म परम पारस है, धर्म श्रेष्ठ पारस है, हुण पार इस ग्रंथ विच ही आउंदा है, पारस में अर संत में बड़ो अंतरो जान, वह पारस कंचन करे वह करे आप समान, धर्म श्रेष्ठ पारस है, पारस ता खालसा जी लोई नु सोना बनाउंदा है, पर धर्म श्रेष्ठ पारस है जेड़े चार फल देने वाला, चार फल किहड़े जिहड़े पिछे दसे हन ना, संतोख खिमा ब्रह्म ज्ञान ते दया, ए धर्म ए चार फल देने वाला है। तां ते ज्यों त्यों धर्म को तरे जो बुद्ध उदार, इस करके ऐ मना जिस तरह किस तरह होवे, ज्यों जिवें किवें त्यों जिवें जिवें मर्जी कर, धर्म नू धारण कर, जिहड़ा सियाणा बंदा है वह धर्म नू धारण करदा ही करदा है, छड़दा नहीं धर्म नू, भाव सच बोलना, खिमा रखनी, दया रखनी, मिठ बोलना, ये पिछे दसे ना दस चिन्ह दसम दस, वह धारण करने करने, उन्होंने एक भी धारण कर लिया भला है, चलो सारे नहीं धारण होंगे, एक दो ही गुण धारण कर लिए उ गुरु पातशाह की कृपा बनी रहेगी, इस करके ता ते ज्यों त्यों धर्म को तरे जो बुद्ध उदार, जिहड़ा बुद्धिवान सियाणा अकलवंद बंदा है वह धर्म नूं जरूर धारण करे, उन्हें छड़े ना, अपने हिरदे विच रब की याद नूं मसावे, निम्रता रखे, सच बोले, ते सारी जे कह लो मनुखता दा भला भी चावे, ये है खालसा जीओ अज दे इन्हां शब्दां विच, ते आप गुरु के प्यारियां ने इन्हां दी विचार भी करनी, इहनूं कंठ भी करना है, कंठ करके अपने हिरदे विच धारण करना, कि साडे हिरदे दा ये शिंगार बने। इतनी बेनतियां प्रवान, फतेह गजाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।